विधानसभा चुनाव 2022 को सफल संपन्न करवाने को लेकर जिला निर्वाचन अधिकारी पौड़ी डॉक्टर विजय कुमार जोगदंडे की अध्यक्षता में एनआईसी कक्ष में संबंधित अधिकारी के साथ पोलिंग बूथों हेतु प्रथम रेंडमाइजेशन प्रक्रिया की बैठक आयोजित की गई। जिलाधिकारी ने कहा कि जनपद के प्रत्येक बूथों में 4 कर्मियों की तैनाती की जाएगी। साथ ही उन्होंने कहा इसके लिए कर्मियों का डाटा तैयार किया जाएगा। जिलाधिकारी डॉक्टर जोगदंडे ने आयोजित बैठक में संबंधित नोडल अधिकारियों को निर्देशित किया कि विधानसभा चुनाव हेतु गंभीरता से कार्य करें। विधानसभा निर्वाचन की तैयारियों के उपलक्ष्य में जनपद पौड़ी गढ़वाल में सभी जनपद स्तरीय अधिकारियों के समन्वय से आज निर्वाचन के दौरान जो कार्मिक कार्य करेंगे उनका फर्स्ट रैंडमाइजेशन का प्रक्रिया को संपन्न किया गया। हमारे 944 बूथ हैं और प्रत्येक बूथ पर हम लोग जो हैं 4 कार्मिकों का ड्यूटी तैनात करते हैं। प्रिसाइडिंग ऑफिसर प्रथम अधिकारी, निर्वाचन अधिकारी प्रथम, द्वितीय और तृतीय, तो उनका डेटा बेस तैयार कर लिया गया है। संबंधित डेटा बेस तैयार करने के उपरांत उनको नियुक्ति आदेश जारी भी कर दिया जाएगा। इसके उपरांत जो है उनका ट्रेनिंग जो हम अरेंज कर रहे हैं उसका सेशंस को अरेंज किया जाएगा और ट्रेनिंग के प्रथम सत्र में जो पीठासीन अधिकारी और निर्वाचन अधिकारी प्रथम है उनको हम ट्रेनिंग के लिए इनवाइट करेंगे और उसके उपरांत जो है निर्वाचन प्रक्रिया का सभी जानकारियों को साझा किया जाएगा।